धीरे धीरे नब जा रही है। अब बेचारा थोड़ी ही देर का मेहमान है। घबराओ नहीं, देखो बच्ची कुछ पपड़िया भी निकलने लगी है, सांस भी तेज हो रही है, लगता है बचना नामुमकिन है। तो खींच डालू फोटो इसकी, मरने से पहले खींच लूंगा तो थोड़ी जानदार आ जाएगी। लास्ट फोटो से पहले सबकी एक सेल्फी ले लो इसके साथ। हाँ, जरूर। इसके जाने के बाद इसकी इसकी याद दिलाती रहेगी। खड़ो, आई सेल्फी, आई। खबरदार जो किसी ने मरने या फोटो खींचने की बात की तो, जब तक इसकी आखिरी सांस है तब तक मैं इसे न्याय दिला के रहूंगा। भैया मेरे ख्याल से अंतिम दर्शन कर लो इसके। अरे नहीं वकील साहब, मुखिया जी को बुला दीजिए, मैं उनसे मिले बगैर जाना नहीं चाहता। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, आए न्याय चाहिए। खबरदार होशियार, आज के मुकदमे के लिए माननीय न्याय प्रिय श्रीमान मुखिया जी पधार रहे हैं। धन्यवाद बुजुर्ग जो आप आ गए, वरना ये लोग तो मुकदमा शुरू होने के पहले ही इसकी अर्थी उठाने पे लगे थे। इसे फटाफट मोकल के कटघरे में लाया जाए। जी हुजूर। मुखिया जी, मोकल का कटघरा इधर है उधर नहीं है, मुझे पता है। उल्लू काटा। अरे हाथ लगाओ, आओ आओ, आराम से, आराम से, आराम से। चलो जल्दी ले चलो। अरे संभालो संभालो, संभाल के। हाँ हाँ, अरे अरे संभाल के भाई, पेट की नली ना निकल जाए, गिर ना जाए, रहेंगे कहाँ वरना। कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद हुजूर। तो हुजूर आज एक मकान ने अपने मालिक पर मुकदमा ठोका है। मकान ने? जी हुजूर। किस बात का? अपने ऊपर हुए जुर्म, अन्याय और इस मरियल हालत में पहुंचाने का। हाँ तो मकान, कैसे हुआ ये तुम्हारा हाल? हुजूर, पहले मैं बड़ा खुश और खूबसूरत था, तब मुझ में चमक थी, मेरा रंग निखरा हुआ था, जैसे हीरोइन का होता है ना वो साबुन वाली एड में, बिल्कुल वैसा। पर एक बात बताओ, तुम्हारी ये ऐसी हालत कैसे हो गई? हुजूर, इस मकान मालिक की वजह से। जब से इसने मुझे वो पेंट लगाया तब से मेरा रंग रूप निखार और मेरी पपड़िया उतरने लगी। मुखिया जी, बदसूरत दिखने के कुछ ही दिन बाद आसपास के घरों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, इंसान तो मुझसे बच के निकलने लगे, क्योंकि जो कोई मुझे छूता उसके हाथों में पेंट लग जाता है, और बस कुछ ही महीनों में मैं अकेला रह गया, बिल्कुल बीमार, लाचार, उदास। रो मत पगले, रो मत। अरे भगवान पर भरोसा रख, हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, समझे? अत्याचारी मालिक को पेश किया जाए। अत्याचारी मकान मालिक हाजिर हो। मुखिया जी, हम तो बेकसूर हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छे, तुम्हारी गलती के बगैर ही इस बेचारे का रंग उड़ गया, चमक चली गई, और ये बेचारा इस फटीचर हालत में पहुंच गया। मुखिया जी वही तो हम कह रहे हैं, अब हम नहीं जानते कि इसकी हालत इतनी बेहाल कैसे हो गई, समझ में नहीं आ रहा। हम चुन्नू के सर पे हाथ रखे कसम खाते हैं, टाइम टाइम पे हमने इसकी मेंटेनेंस की है, अरे अब रंगाई पुताई कराई है इसकी। फुल मेंटेनेंस किए होते तो इसकी ये हालत ना होती, उजड़े चमन जैसी शक्ल होगी ये बेचारे की, और आप कह रहे हैं आपने मेंटेनेंस करवाई है। ये ठीक कह रहे, मकान मालिक होने के नाते इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, इसकी इस बीमार और फर्स्टीचर हालत के जिम्मेदार तुम हो। नहीं मुखिया जी, नहीं, ये मेरा मासूम बेटा चुन्नू ये कंवारा है तो सिर्फ आज तक किसकी वजह से, इसकी वजह से,
इस मकान की जर्जर हालत की वजह से हमने झेला है। मुखिया जी, जब तक आप सोच रहे तब तक एक फोटो ले लो इनकी, देखो ना क्या बढ़िया पोज में लेटा है बेचारा। एक खबरदार, जो केस खत्म होने से पहले फोटो खींचा तो। अरे भाई देखो, कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मकान मालिक कहता है कि मकान दोषी है और मकान कहता है कि मकान मालिक। लेकिन मेरी समझ में तो ये आ रहा है, इस कांड के पीछे जिसका हाथ है वो है पेंटर। ललन पेंटर हाजिर हो। ललन, क्यों किया तुमने ऐसा? पर मुखिया जी, मैंने क्या किया? घर के मालिक ने कहा ऐसे पेंट कर दो, मैं दुकान पर गया, दुकान वाले ने मेरा लैक और बर्गर दे दिया, मैंने इस पर लगा दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर है, तुम डॉक्टर थे और ये तुम्हारा मरीज, तुमने जो दवा दी वो बेकार निकली, तो उंगली तो तुम पर ही उठेगी ना। तुम चाहते हो तो इसकी जान बचा सकते थे। पर कैसे? बढ़िया से बढ़िया पेंट लगाकर। तुम चाहते तो इसकी गिरती पपड़ियों को रोक सकते थे, इसकी चमक को बरकरार रख सकते थे। पर कैसे? वेस्ट और सालों साल चलने वाला पेंट लगाकर। आज तुम्हारी वजह से ये जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है, तुम्हारी वजह से चुन्नू की शादी नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से ये मुकदमा चल रहा है, इसकी सजा भी तुमको मिलनी चाहिए। ललन, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, वरना मकान की इस हालत का दोषी करार देते हुए हम तुम्हें सजा। ठहरो। तुम कौन हो भाई? मैं हूँ पेंटर कलाकार और लेकर आया हूँ आपके बेजान मकान और मुकदमे का वन एंड ओनली सोल्यूशन। ये है मेरे दो यार, टेक्ट्रा शाइन, एस शाइन। लेकिन क्या है कनेक्शन विद आवर केस? अजी कनेक्शन है, सॉलिड कनेक्शन है। अगर ये होते तो आपके मकान की हालत ये ना होती, अगर ये होते तो मकान की चमक हमेशा रहती, अगर ये होते तो मकान की पपड़ियां पड़ नहीं पड़ती, इतना चच्चा तो आपके चुन्नू की शादी हो चुकी होती। ऐसा क्या है इन दोनों में? मैं बताता हूँ मुखिया जी, मैं हूँ ट्रैक्टर शाइन, घर के इंटीरियर यानी अंदर की दीवारों का रखवाला। और मैं हूँ एस शाइन, घर के एक्सटीरियर यानी कि बाहरी दीवारों का रखवाला। हम दोनों मिलकर इस मुरझाए हुए फूल को दोबारा खिला सकते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ से चमकदार। तो तैयार हो जाइए देखने को चमत्कार। खबरदार, जो किसी ने भी इस मकान को हाथ भी लगाया तो। भाई मैं गारंटी लेता हूँ कुछ नहीं होगा। एक बार आप इस मकान को ट्रैक्टर और रेस के हवाले कर दीजिए, अगर इसका रंग फिर से ना खिला, अगर ये मकान फिर से हंसता खिलखिलाता हुआ ना हो गया ना, आप जो मुआवजा मांगेंगे मैं दूंगा, प्रॉमिस। भाई मान जाओ, कर दो मुझे ट्रैक्टर शाइन और इस शाइन के हवाले, क्या पता मुझे नई जिंदगी मिल जाए। प्लीज, अगर तेरी यही मर्जी है तो जा मेरे यार, जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हमारे पास इनको दोबारा हेल्दी बनाने के लिए है डबल पावर, यानी नॉर्मल और शाइनी दोनों पेंट ऑप्शंस। एक बार, बस एक बार मेरा रंग इस पे लग गया, फिर 3 साल तक ना तो ये उतरेगा ना ही इसकी चमक यानी कि शाइन कम होगी। आंधी तूफान वर्षा धूल चाहे कुछ भी आ जाए और खुजाऊंगा तभी नहीं। अरे आंधी तूफान धूप कुछ भी हो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, और तो और तुम्हारी अंदर की दीवारों की शाइन और सुरक्षा की मैं गारंटी लेता हूँ। अरे कम से कम 3 साल तक की फुल गारंटी देते हैं हम, चाहे वो बाहरी दीवारें हो या अंदर का रंग। अरे वाह, लेकिन हम पूछ रहे थे कि भैया दाम तो ज्यादा नहीं होंगे ना तुम्हारे? दाम ज्यादा नहीं है, लेकिन आप दाम से पहले देखिए दम और फायदे। अरे भाई फिर देर किस बात की है, जल्दी से रंग डालो अंदर बाहर से और चकाचक कर दो इसको। अब क्या है कि हमारे चुन्नू के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, घर बस जाएगा बेचारे का। अरे घर क्या, लाइफ बन जाएगी आपकी। तो भैया इससे हमारा क्या फायदा होगा? फायदा है, हर 10 लीटर पर 20 और हर 20 लीटर पर 50 रुपए आपकी जेब में, और साथ में मिलेगी आपको गृह कला की बुकलेट,
जिसमें आप ढूंढ पाएंगे सारे कलर कॉम्बिनेशन 1700 शेड में। हाँ, और तुमको मिलेगी नए नए डिजाइन की स्टेंसिल। तो भैया क्या एक ही ब्रश से सारे डिजाइन बन जाएंगे? उसके लिए आपको लेना पड़ेगा रोलर 800। ये 9 इंच का मीडियम पाइल रोलर तुम्हें देगा हर सरफेस पर स्मूथ फिनिश और ज्यादा कवरेज। आपको मिलेगा 25 स्क्वायर फीट एक ही ट्रिप में और कीमत एकदम किफायती, काम भी डबल और फिनिश भी सुपर। तब तो भैया जिस घर में ट्रैक्टर साइन और ए साइन से हम पेंट करेंगे उस घर का कस्टमर तो हो जाएगा फुल सेटिस्फाइड। और क्या, कस्टमर की लाइन लग जाएगी। अरे मुखिया जी, पंचायत आपने बुलाई थी और फैसले कोई और ले रहा, कुछ बोलिए इन सबको। यू आर राइट, योर फ्यूचर इज ब्राइट। शांति शांति, पंचायत हुक्म देती है इस बेजान मकान को ट्रैक्टर शाइन और एस शाइन के हवाले किया जाता है। मगर मगर क्या मुखिया जी? मगर ये 3 साल का वादा जो ट्रैक्टर शाइन और एस शाइन ने किया है उसे हमारी ये पंचायत चेक करेगी, इसलिए 3 साल के बाद हम फिर मिलेंगे, तब तक ये पंचायत मुलतवी की जाती है। शांति शांति शांति। वाह वाह, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ये मकान जो 3 साल पहले एक खंडर था, फर्नीचर था, आज देखो कैसे चमचमा रहा है, जगमगा रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये कमाल हुआ है ट्रैक्टर शाइन और एज शाइन की वजह से। इन्होंने जो वादा किया उसे पूरी तरह से निभाया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ट्रैक्टर शाइन और एज शाइन का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारे चुन्नू का घर बस गया और अपना ललन भाई उसकी तो निकल पड़ी। इन 3 सालों में ललन पेंटर से ललन कॉन्ट्रैक्टर हो चुका है। दुकान के सामने तो लाइन लगी रहती है, 2 साल का वेटिंग लिस्ट है ललन से घर पेंट करवाने का। भाई कमाल हो गया। आज हम ऐलान करते हैं कि ट्रैक्टर शाइन और ए शाइन सिर्फ रंग ही नहीं, एक ऐसा रिश्ता है जो जिंदगी भर चलता है। आओ गांव वालों, आज हम सब मिलकर एस शाइन और ट्रैक्टर शाइन के साथ खुशियां मनाए। एक मिनट, तो इसी बात में एक फोटो खींचना।